सत्ता की पार्टनर बदलते ही अब विधानसभा के स्तर राजनीतिक में भी राजद हावी होता दिख रहा है। तस्वीरें कटिहार के बराबरी विधानसभा में आयोजित जन सुशासन शिविर की है, जहां जदयू के सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी एवं जेडीयू के बरारी विधायक विजय सिंह की मौजूदगी में पूर्व राजद विधायक नीरज यादव ने जल नल को लेकर भ्रष्टाचार पर जमकर हल्ला बोला। इस डीडीसी द्वारा पूर्व विधायक के इस आरोप को काटने पर नीरज यादव ने डीडीसी पर कई संगीन आरोप लगाए। बड़ी बात यह है, शिविर में मौजूद लोगों ने भी जल नल को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप पर नीरज यादव के आरोप को सही ठहराया। इस दौरान डीडीसी और पूर्व विधायक में तू तू मैं होने के बाद डीडीसी ने बाद में इस पर सफाई देते हुए कहा कि इस शिविर के माध्यम से जो भी शिकायतें आई हैं उस पर जांच करवाई जाएगी। वहीं पूर्व विधायक ने डीडीसी अरुण ठाकुर पर पूर्व से ही भ्रष्टाचारी होने के और संवेदक के साथ मिलकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि अब सरकार बदल चुकी है, किसी भी हालत में लोगों के साथ ठगी होने नहीं दी जाएगी। जन सुशासन शिविर का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि वह राजद के पूर्व विधायक द्वारा जल नल में भ्रष्टाचार संगीन आरोपों पर वर्तमान जदयू विधायक और जदयू के सांसद मंच पर मौजूद होने के बावजूद चुप रहने में ही भलाई समझा। शायद यही तो महागठबंधन की मजबूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।